उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद के थाना अल्लाहगंज रामगंगा नदी के किनारे स्थित गांव गढ़िया मंगोला में सोमवार की रात करीब 1 बजे घर के अंदर बिजली केबल के शॉर्ट सर्किट से छप्परदार में घर में आग लग गई। आग लगने से घर में रखा हुआ घरेलू सामान, अनाज, बिस्तर आदि सब जलकर राख हो गए। पीड़ितों ने बताया कि 2010 में रामगंगा नदी में जब बाढ़ आई थी तब से इस गाँव के किनारे सरकार की तरफ से बसाया गया था और छप्पर डालकर घर बनाकर रह रहे हैं। एक ही स्थान पर 5 परिवार रह रहे हैं, जिनमें हरिनाथ, रतिभान, कल्लू, बिरभान व प्रदीप का परिवार यहाँ रहता है। ग्रामीण हरिनाथ ने बताया कि रात में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी बिजली के बोर्ड के पास शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते ही देखते पूरा घर धो धो कर जलने लगा। ऐसे में सभी ने भागकर जान बचाई, परंतु घरेलू सामान को नहीं बचाया जा सका। उन्होंने बताया कि सभी परिवारों के पास साल भर के खाने का राशन आदि रखे हुए थे, जो जलकर आग हो गए हैं। अब उनके सामने ठंड में खाने पीने और रहने की समस्या उत्पन्न हो गई है। वही सूचना के बाद हल्के के लेखपाल ने मौके का निरीक्षण किया और उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी है।